एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। होली का त्योहार और गर्मियों का मौसम, ये दोनों ठंडाई के बिना अधूरे हैं, इसलिए हम बनाने वाले हैं आज स्पेशल ठंडाई। ये इंस्टेंट ठंडाई है जिसका मसाला आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब इस ठंडाई को 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इस ठंडाई में मैंने शक्कर की जगह पर मिश्री का यूज़ किया है जिससे यह और भी हेल्दी हो गई है हमारे लिए। इस ठंडाई से बच्चों और बड़ों सभी का एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। अब इस कप से 1/4 कप बादाम लिए हैं मैंने, 1/4 कप काजू भी ले लेंगे। हमें इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा गर्म करना है, ना कि रोस्ट करना है। हल्का सा गर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनमें जो नमी हो वो हट जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर होने के कारण ये अभी गर्म भी नहीं हुए हैं, पर फिर भी मैं इसे बीच में हिला रही हूँ ताकि ये रोस्ट ना हो पाए। अब 2 बड़ी चम्मच लिए हैं खसखस। खसखस को भी थोड़ा सा चला लेंगे ताकि यह गर्म ना होने पाए ज़्यादा। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच डालेंगे पिस्ता। मेरे पास पिस्ता के कतरन हैं थोड़े बड़े वाले, मैंने वो डाल दिए हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है इसलिए हम गैस को कर देंगे बंद और इसको मसाले को एक साइड कर इसमें 2 बड़ी चम्मच डालेंगे खरबूजे के बीज। इन खरबूजे के बीजों को भी थोड़ा सा हिला देंगे ताकि गर्म कढ़ाई से ये भी थोड़े गर्म हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 12 काली मिर्च। यदि आप इस तरीके से कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म ना करना चाहें ड्राई फ्रूट्स को, तो 2 घंटे तक तेज धूप में इन ड्राई फ्रूट्स को रख दें तो भी इनकी नमी चली जाएगी। अब मैंने 7 इलायची ली है और इसके छिलकों को हटाकर इसके दानों को भी कढ़ाई में डाल दिया है। इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ। सौंफ से इस ठंडाई में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब गुलाब की पत्तियां ली है मैंने 1/2 बड़ी चम्मच। मेरे पास गुलाब की पत्तियां कम थी इसलिए मैंने 1/2 बड़ी चम्मच ली है। आप चाहें तो इसमें 2 बड़ी चम्मच गुलाब की पत्तियां ले सकते हैं और यदि गुलाब की पत्तियां ना हो तो 2 बड़ी चम्मच गुलाब जल को आप ठंडाई बनाते टाइम दूध में मिक्स कर सकते हैं। आप गुलाब जल या फिर गुलाब की पत्तियों को जरूर डालें इस ठंडाई में, क्योंकि यह ठंडाई को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। इन सभी सामग्री को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तब हम इसमें ये जो जायफल आता है मार्केट में मिलता है, इसको छोटी किस्मी की सहायता से किस कर मैंने 1/4 छोटी चम्मच इसमें मिला लिया है। अब एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें इन सभी सामग्री को डाल देंगे। मैंने इस ठंडाई में काली मिर्च की मात्रा को कम यूज़ किया है ताकि बच्चे और एजेड इसे आराम से पी सकें। आप चाहें तो काली मिर्च की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने इसमें 20 से 25 रेशे केसर के लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी। हल्दी तो बहुत ही अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए। अब इन सभी को हमें मिक्सर में पीसना है, पर पीसते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि हमें मिक्सर को थोड़ी देर रुक रुक कर चलाना है ताकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऑयल ना छोड़े, क्योंकि ज़्यादा देर तक मिक्सर को चलाने पर ड्राई फ्रूट्स ऑयल को रिलीज कर सकते हैं और हमारा जो दरदरा पाउडर है वो बनकर तैयार नहीं होगा, वो थोड़ा सा चिपचिपा सा बनेगा। देखें इस तरीके का हमें दरदरा पाउडर चाहिए। आप चाहें तो इसे छलनी की सहायता से छान भी सकते हैं। यदि आपको यह पाउडर ज़्यादा बड़ा लगे तो आप छलनी की सहायता से छान लें और छलनी के ऊपर बचे भाव को फिर से मिक्सर में पीस लें। यदि पीसते टाइम आपने ध्यान नहीं दिया तो इस मसाले से ऑयल रिलीज हो जाएगा और फिर हम इस मसाले को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने इसे पीसा है, इसलिए बिल्कुल दरदरा है और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। इस ठंडाई के मसाले को आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे कांच के जार में भर कर अच्छे से टाइट ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें और जब भी आपको ठंडाई बनाना हो तो 5 मिनट में इंस्टेंट ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी। इतने मसाले से आप 21 से 22 गिलास ठंडाई बनकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस जार को फ्रिज में रख दिया है और ये बचा हुआ मसाला है इसकी मैं ठंडाई बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 गिलास दूध, ये जो डेली यूज में हम पानी पीते हैं जिस गिलास से वो गिलास लिया है, और इस कप से देखें तो 1 कप है, 250 ml दूध है जिसे हम पाव भर दूध भी बोल सकते हैं। अब इस दूध में से 1/2 गिलास दूध लिया है एक तपेली में और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 बड़ी चम्मच मिश्री। मैंने शक्कर की जगह मिश्री का यूज़ किया है, आप चाहें तो शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच ये ठंडाई का मसाला मिला देंगे और इसे जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें मिश्री पूरी तरीके से गल न जाए और गलने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद। हमें इस दूध को उबालना नहीं है, हमने गर्म दूध में मसाला इसलिए डाला है ताकि मिश्री भी अच्छे से गल जाए और मसाला जो है उसमें केसर और हल्दी जो है उसका कलर आ जाए।
और ठंडाई का मसाला जो दरदरा था वो भी दूध में गल कर बारीक पेस्ट जैसा बन जाएगा पिसते टाइम। अब ये दूध पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, इसलिए हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। तपेली में थोड़ा सा मसाला रह गया है, इसलिए इसमें गिलास में से थोड़ा सा दूध लेकर इसे भी मिक्स कर देंगे और फिर इसे मिक्सर में चला लेंगे थोड़ी ज़्यादा देर, जिससे कि इसमें झाग बन जाएंगे। अब बचा हुआ गिलास का दूध भी इसमें डाल देंगे और फिर से मिक्सर को चला लेंगे। आप चाहें तो किसी भी ग्राइंडर से इसे पीस लें, जिससे कि इसमें झाग बन जाएंगे जो कि ठंडाई में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने आधा गिलास जो दूध था उसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया था, इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब्स नहीं डालूंगी। आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और अब इस ठंडाई के ऊपर बादाम और पिस्ता की कतरन डाल देंगे। ये लीजिए, एनर्जी देने वाली स्पेशल ठंडाई तैयार है। तो आप भी इस होली पर बनाइए ये स्पेशल ठंडाई। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।